हेलो प्यारे बच्चों, करते हैं वर्कशीट नंबर 2। यह है क्लास साइंस के लिए, छठी कक्षा के लिए, हिंदी मीडियम में करेंगे। और ये आपकी जो साइंस की वर्कशीट है, पहले एक और आई थी, पिछले हफ्ते आई थी, और हर वेडनेसडे को आपको साइंस की वर्कशीट मिला करेगी। इसे आप साइंस की अलग कॉपी लगा के भी कर सकते हो। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि हम क्या टॉपिक ले रहे हैं आज, भोजन के घटक। ठीक है, भोजन के घटक, हमारे भोजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सबसे पहली बात, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाले भोजन चाहिए। अगर हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है, एनर्जी लेनी है, काम करने के लिए हमें क्षमता चाहिए, तो उसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होगी। और ये सारी ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें अपने भोजन से ही मिलती है। और भोजन हमारे लिए क्या करता है, वृद्धि करने के लिए और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए, है ना। तो इस तरीके के जो भोजन होते हैं, जो हमारे शरीर की टूट फूट करते हैं, इसको रिपेयर करते हैं, मरम्मत करते हैं और हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, वो वाले भोजन भी चाहिए। स्वस्थ एवं रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए हमें ऐसे भोजन लेने चाहिए जो हमारी रोगों से रक्षा करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, तो हमें क्या चाहिए, ऐसे ही पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। और ये सारे पोषक तत्व अगर हमारे भोजन में होते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, तो भोजन के घटक जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये पोषक तत्व कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा जो है, इसने सर से क्वेश्चन पूछा है कि सर पोषक तत्व क्या होते हैं। तो सर ने क्या कहा, हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न, अब हम पोषक तत्वों के बारे में और उनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो कितने पोषक तत्व होते हैं, अभी हमने सर पढ़ा ही रहे थे, बोर्ड पर लिखा ही हुआ है उन्होंने, है ना। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। भोजन के जो घटक शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत सारे काम करते हैं। कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि में लाभदायक होते हैं, हम बड़े होते हैं उनको खाकर, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को वसा देते हैं, विटामिन्स देते हैं, प्रोटीन देते हैं। ठीक है, तो ये जो पोषक तत्व हमारे भोजन से मिलते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं, वन बाय वन हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। बच्चों, 5 भाग कौन कौन से हैं, चलिए सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, तुरंत एनर्जी आ जाती है। ठीक है, वसा, फैट, ओके, वसा क्या होता है, चिकनाई जो भी होती है, हम घी, तेल, मलाई, ये सब चीज़ें, मक्खन हो गया, तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा को संचित करता है। वसा जो होता है, फैट जो होता है, वो क्या होता है, हमारे शरीर में जमा होता जाता है। और इसका समझ लीजिए कि जैसे कि हमने अपनी एनर्जी को स्टोर करके रख लिया, जब हमारे शरीर में हम एनर्जी को यूज़ नहीं करते हैं, तो तब क्या होगा, ये फैट यूज़ होगा, ये एक तरीके से स्टोर्ड एनर्जी का काम करता है। प्रोटीन, लेकिन ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा वसा वाली चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर को बनाने वाला पोषक तत्व होता है। तो जितने भी लोग जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं, या जिम करते हैं, कसरत करते हैं, और जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, सभी को ही लगभग प्रोटीन की ज़रूरत होती ही है, क्योंकि उसी से हमारा शरीर बनता है, हमारी मसल्स बनती हैं, हमारी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। उसके बाद है खनिज। तो बहुत सारे खनिज होते हैं जो हमारे शरीर के सामान्य कार्यों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो हमें बीमारियाँ घेर सकती हैं। उसके बाद आते हैं विटामिन। विटामिन क्या करते हैं, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से लड़ने के लिए हमारी ताकत बनते हैं। ठीक है, तो विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में, ताकि हमारा जो शरीर है वो मजबूत बना रहे और बीमारियों से लड़ने के लिए पावरफुल रहे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि जो पोषक तत्व होते हैं उनके अतिरिक्त हमारे शरीर को क्या क्या चाहिए होता है। एक तो चाहिए होते हैं रेशे, और दूसरा पानी। तो 5 तो हमारे पोषक तत्व हो गए बच्चों, इनके अलावा हमको क्या चाहिए, रेशे भी चाहिए, और क्या चाहिए, और हमें पानी चाहिए। तो टोटल ये 7 चीज़ें हो गई। ठीक है जी, तो रेशे क्या होते हैं, रेशे बेटा ये फाइब्रस चीज़ें होती हैं। तो
इसी तरीके से जैसे पोषक तत्व ज़रूरी हैं, ये रेशे और पानी की भी हमें बहुत ज़रूरत होती है, तो पानी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उसको पीते रहना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आपके, इनको आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, ठीक है। पोषक तत्व क्या होते हैं, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है आपका, पोषक तत्व क्या होते हैं, इसका उत्तर आपको वर्कशीट में मिल जाएगा। पोषक तत्व क्या होते हैं यहाँ से लिखेंगे वर्कशीट में से देख के, भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं, और पोषक तत्वों को 5 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। आप यहाँ तक इसका उत्तर लिख सकते हो, नोट कर लिया आपने। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है, तो उसमें आप लिखोगे उत्तर यहाँ से लिखेंगे प्रोटीन। शरीर की वृद्धि के लिए, यहाँ से लिखिए इसका उत्तर, शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, वाक्य पूरे करने हैं आपको, यहाँ पे आपको कुछ रिक्त स्थान मिलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, पहला जो रिक्त स्थान है कार्बोहाइड्रेट, खाली स्थान लिखा है, फिर ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं, तो क्या भरेंगे आप खाली स्थान में, इसमें आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, खाली स्थान में लिखिए शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले में आप लिख देंगे खाली स्थान में शरीर को, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, यह खाली स्थान आप बोलिए, पोषक तत्व के अतिरिक्त हमारे शरीर को किन 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आप ये लिखेंगे, सबसे पहला हमें चाहिए होता है रेशे, यहाँ लिखेंगे, और पानी, तो पानी भी लिखेंगे, ठीक है। तो रेशे और पानी, ये भी उसके साइड बाय साइड हमको पोषक तत्वों के अलावा इन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। प्रश्न नंबर 4, आप रोज़ाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व ज़रूर होना चाहिए। तो अभी हमने बात की कि जो बच्चे या बड़े भी जो कसरत करते हैं, जिम जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, या बढ़ते हुए बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी को, उनके सबके खाने में क्या कौन सा पोषक तत्व होना चाहिए, उन सभी के खाने में प्रोटीन होना ही चाहिए। तो स्पेलिंग लिखेंगे इसके लिए आप, प्रश्न नंबर 4 के लिए लिखेंगे प्रोटीन, ठीक है। ये हो गई आपकी वर्कशीट, जल्दी से इसको पूरा करिए, अगर कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, नहीं तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगी। अगर वीडियो से समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अगली बार वीडियो करने में, सॉरी वर्कशीट करने में आपको परेशानी ना हो बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में।